नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आप कहीं भी रहें, खुशहाल रहें, चिंता मुक्त रहें और अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। और मित्रों, दोस्तों और साथियों, गुस्सा न करें। गुस्सा अग्नि से भी तेज है। गुस्सा से काम बनता नहीं बल्कि बिगड़ता है। तो इसीलिए गुस्सा को कम करें, गुस्सा में कोई काम न करें। तो आगे चलें। इस वीडियो में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने जादू से बनाकर कुछ खिला पिला दिया हो या जादू करा दिया हो या टोना टोटका करा दिया हो और वह व्यक्ति काफ़ी परेशानी उठाता हो, घर के लोग भी परेशान हो, तब आप इस टोटका प्रयोग को कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक मिट्टी का दीपक लीजिए, बड़ा साइज, एक ऐसा मिट्टी का दीपक लें और इसमें आग बना लें। इसमें आग बना लें। आगे हम मटेरियल बता रहा हूं, लेकिन वह मटेरियल का प्रयोग इसी में करना है। सबसे पहले आग बनाइए, एक दीपक लीजिए कोरा। तो अब आगे आप मटेरियल सुने, सामग्री सुने। यह सामग्री जड़ी बूटी के दुकानों पर यानी पंसारी के यहाँ आराम से मिल जाता है। केवल आप नाम बोलें और सभी सामान को बराबर मात्रा में लेना है और लेकर दरदरा चूर्ण बनाना है। तो अब आगे सुने, छोटी इलायची हरी वाली, ककड़ा सिंघी, काली मिर्च से सभी लोग परिचित हैं और नीम के पत्ते को लेकर सुखा लें और यह सभी सामान को बराबर मात्रा में बराबर भाग में लेकर दरदरा चूर्ण करके घर में सुरक्षित रख लें। जिस व्यक्ति पर जादू टोना टोटका का असर या आशंका हो उस पर से थोड़ा सा चूर्ण शाम के समय 7 बार उतार कर यानी चक्कर लगाकर उस मिट्टी के दीपक में जिसमें आपने आग बनाए हैं उसमें डालें। तो इस तरह से 7 बार उतारिए और 7 बार डालिए। तो आग पर इस तरह से जलाने से उस व्यक्ति पर जादू का असर, टोना टोटका का असर पूरा समाप्त हो जाएगा और वह व्यक्ति संपूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाएगा। इसमें कोई दिन वार की जरूरत नहीं है। किसी भी दिन को संध्या के समय यह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह प्रयोग थोड़ा चूर्ण को लीजिए और 7 बार ऐसे उतार के अग्नि में डालिए, फिर उठाइए इतना चूर्ण 7 बार उतार के अग्नि में डालिए, मतलब 7 बार करना है। इस तरह से आप जो है हफ्ते में एक बार करें तो रोगी रोग मुक्त हो जाएगा, जादू टोना टोटका से उसे छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।